डे मेकअप किस तरीके से कर सकते हो। तो ये क्विक मेकअप ट्यूटोरियल है, आई होप कि आप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्लॉलेस बेस मेकअप ट्यूटोरियल है, तो यहाँ पे फ्लॉलेस डे मेकअप ट्यूटोरियल है, तो यहाँ पे बेस तो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं फ्लॉलेस आई मेकअप, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो आई मेकअप के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्यूटिफुल सी पैलेट जिसका नाम है नेचुरल न्यू ट्रेंड ब्यूटी। आई कैन सी कितनी ज़्यादा अमेजिंग पैलेट है। सो ट्रेंड ब्यूटी आई लव यू, मुझे उसकी पैलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है ट्रेंड ब्यूटी की। एंड इवन इनके शेड्स अमेजिंग शेड्स हैं, आई कैन यू गाइस कैन सी द शेड्स, OMG वाओ, है ना, कितने ही प्यारे हैं। तो चलिए आज हम मेकअप करेंगे इसी से ही और देखते हैं बड़े ही खूबसूरत। सो हमने ये वाला ब्रश ले लिया, पेंसिल ब्रश, ठीक है। तो आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। आउटर कॉर्नर पे मैं अप्लाई करूँगी ये वाला शेड, गाइस कैन सी दिस शेड, एंड इसकी हम एप्लीकेशन करेंगे आउटर कॉर्नर पे। सो या लेट्स सी, सो बस इस तरीके से। OMG इसकी पिगमेंट देख रहे हो आप, मस्त है, बहुत मस्त है पिगमेंट, तो वाव है, वाव। सो इस तरीके से हमने इसको अप्लाई कर लिया है आउटर कॉर्नर पे, ठीक है, लाइक दिस। एंड वेट, इसको हम ब्लेंड करेंगे किसी दूसरे ब्रश की हेल्प से और हल्का सा अंदर लेके जाएंगे और वहीं ब्लेंड करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। यू गाइस कैन सी, ओह माय गॉड, इट लुक्स सो गुड, मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा, बड़ा ही प्यारा सा लग रहा है। इसी तरीके से हम दूसरी ऐप पे भी क्रिएट करेंगे, अगर आप चाहते हो तो मैं दिखा देती हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, चलो कोई नहीं, लेट्स सी। ओके डन, इस तरीके से लगाने के बाद अगेन हम ब्रश लेंगे एंड देन इसको ब्लेंड करेंगे। यू कैन सी, ओके डन, ठीक है, ब्लेंडिंग हो गई है। एंड देन इसी शेड को जो है हम अप्लाई करेंगे underneath the eye, फाइन। उसके बाद हम हल्का सा ब्लेंड कर लेते हैं। Fine, you guys can see. Okay. उसके बाद आज हम यूज़ करने वाले हैं कौन सा शेड यूज़ करें, इतने सारे प्यारे प्यारे शेड्स हैं ना, सो ऐसा लगता है कि भाई सारे यूज़ कर लो, बट नो। सो हम यूज़ करते हैं अच्छा ये वाला शेड, ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है इनर साइड पे। सो लेट्स सी, एंड इसकी आप पिगमेंट देख सकते हो, यू कैन सी, और ये इसके अंदर शिमर नहीं है, और यस पिगमेंट मुझे बहुत अच्छी लगी शेड्स की, बिलीव मी गाइस। सो या इस तरीके से लगा लिया है, एंड अगर आपको लगता है थोड़ा सा आपको और डार्कन करना है अपने
सॉकेट को, तो देन यू गाइस कैन डू, आप कर सकते हो। सो उसके बाद मैं एक लिटिल बिट सा मैं ये वाला शेड यूज़ करना चाहती हूँ, बिकॉज ये मुझे बहुत पसंद आ रही है। यू गाइस कैन सी, ओ माय गॉड, इट्स सो बटरी। यू गाइस कैन सी, एंड बिल्कुल सेंटर ऑफ द लिड पे मैं इसकी एप्लीकेशन कर रही हूँ। एंड लेट्स सी, ओ माय गॉड। सो यहाँ पे आप सेंटर ऑफ द लिड पे ना आप कोई भी गोल्डन शेड अप्लाई कर सकती हो, थोड़ा सा मेहंदी ग्रीन और थोड़ा सा ऐसे कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपके पास सेम कलर नहीं है तो प्लीज़ आप कोई भी सिमर शेड अप्लाई कर सकते हो, गोल्डन वन। सो डोंट यू वरी कि भाई हमारे पास ये वाले कलर्स ही नहीं है, हम क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिमिलर कलर्स यूज़ कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे लुक क्रिएट करने के लिए यूज़ किया है। ओके सो मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ कि यू गाइस कैन सी कि हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स। क्या, एंड ये जो मैंने सेंटर पे कलर लगाया ना वो ये वाला कलर है। यू गाइस कैन सी, थोड़ा सा गोल्डन और लाइक ग्रीनिश का कॉम्बिनेशन है, बट इट लुक्स सो अमेजिंग, बड़ा ही प्यारा सा लग रहा था तो मैंने लगा लिया। ठीक है, सो उसके बाद मैं यहाँ पे ये मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ क्लैम 21 मस्कारा एंड आई रियली लाइक दिस मस्कारा, मुझे बड़ा पसंद है। और इसका यूज़ करने का एक तरीका है, एंड अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको थोड़ा सा लगेगा। जब शुरू में आया था तो मुझे भी इसका यूज़ करने का तरीका नहीं पता था, बट येस यू गाइस कैन यूज़ कर सकते हो इसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। सबसे पहले तो मैं अपने ना आईलैशेस को ब्लैक कर रही हूँ, क्योंकि समटाइम्स जब हम लाइक आई शेड्स की एप्लीकेशन करते हैं तो आई लैशेज पर जो है कलर गिर जाता है, तो उसको ब्लैक करना बहुत ज़रूरी है। सो इस तरीके से खींच के करेंगे, और बी केयरफुल आपका मेकअप ख़राब ना हो। यस, नाउ यू गाइस कैन सी द डिफरेंस इन दिस आई एंड इन दिस आई। इसको थोड़ी सी डेफिनेशन मिल गई है एज कम्पेयर टू द दिस वन, राइट। सो अभी हम थोड़ी देर में एक कोट और करेंगे, ठीक है। इतने हम जल्दी से आईब्रो बना लेते हैं, और आईब्रो के लिए मेरी फेवरेट किट, सबको पता है मेरे ख्याल से, सो वेट एंड वाइल्ड की एक किट है, मेरी बहुत फेवरेट है। सो आप भी ट्राई करो, और अमेजिंग। जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं, एंड एक कोट और कर लेते हैं मस्कारा का। सो यस, जिससे कि थोड़ा सा और अच्छा अच्छा सा लुक मिल जाए। सो खुद से आप किस तरीके से लगा सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। आप इस तरीके से अपनी आईलैशेस को पकड़ें एंड मस्कारा करें, एंड देन आप मिरर में देखें, और उसके बाद इस तरीके से अप्लाई कर लें, और अच्छे से लग जाता है। एक दो बार ट्राई करेंगे तो लग जाएगा, बट प्लीज़ बी केयरफुल, आँख में मत घुसा लेना मस्कारा की वॉन्ड को, इसको ना आईज में मत घुसा लेना, अदरवाइज इट हर्ट्स। सो प्लीज़ बी केयरफुल लगाते वक्त, है ना। So I'm going to use this lipstick. This is NYBA brand lipstick, and you guys can see
कि इसका जो कलर है, आई विल शो यू, दिस इज द कलर. ओके, सो इसकी एप्लीकेशन हम करने वाले हैं एंड मैं इसको अपने फिंगर से लगाने वाली हूँ. सो या लाइक दिस. सो अगर आपकी लिप्स मेरे लिप्स की तरह पतले से हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जब भी लिपस्टिक की एप्लीकेशन करो तो सबसे पहले ना फिंगर से इस तरीके से अप्लाई करो लिप्स को, ठीक है, मतलब ऐसी मतलब फ्री हैंडेड इस तरीके से अप्लाई कर लो. और इससे क्या होता है, इस तरीके से जब आप अप्लाई करते हो लिपस्टिक को तो एक परफेक्ट लाइन्स नहीं बनती, तो ऐसा पता भी नहीं लगता है कि आपके लिप्स यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, ऐसा नहीं पता लगता है. सो आप इस तरीके से ट्राई करना ये वाली टेक्निक, यू लव इट. सो इसी पैलेट में से ना आप हाईलाइटर शेड भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला जो शेड है इसको आप ट्राई कर सकते हो. सो लेट्स ट्राई दिस एंड ओके. मैं हाईलाइटर बहुत कम और बड़ा लाइक लिमिटेड एरिया पे ही लगाती हूँ, मतलब पूरे फेस पे अप्लाई करना मुझे पसंद नहीं है. और यस So yeah, it's done. You guys can see the sheen. So मैं आउटर कॉर्नर को ना हल्का सा डार्क करूँगी, तो मैं ये वाला इसी पैलेट में से जो एंड वाला ये ब्राउन शेड है वो मैं यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है. और हम इसको हल्का सा आउटर कॉर्नर से डार्क करते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या लुक आता है, थोड़ा सा बस. So yeah. एंड यू गाइस कैन सी कितना एकदम से अमेजिंग सा चेंज आ गया है. अभी हम इसको ब्लेंड करेंगे हल्का सा. अच्छा, मुझे ना डार्क कॉर्नर्स बहुत पसंद है, तो मैं एक ब्रश ले रही हूँ, उसकी हेल्प से जो है इसको मैं ब्लेंड करूँगी, ठीक है, और थोड़ा सा इस तरीके से रखते हुए मैं ब्लेंड कर रही हूँ. You guys can see the blended look and without blended. There is a huge difference, right? कि आप थोड़ा सा और ब्लशर लगाना है तो आप लगा सकते हो, बट मुझे बिल्कुल भी ऐसे नीड नहीं लग रही कि थोड़ा सा ब्लशर और लगाना चाहिए. यू गाइस कैन सी कितना फ्लॉलेस लग रहा है, पास से देख लो आप, लग रहा है ना फ्लॉलेस, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. तो मुझे तो बड़ा ही पसंद आया ये मेकअप. आप लोगों को कैसा लगा ये मेकअप ज़रूर से मुझे बताइएगा. चलिए मिलते हैं चेंज करके और स्टाइलिंग वाइलिंग करके, एंड देन देखते हैं कि ये मेकअप लुक किस तरीके से लग रहा है, कैसा लग रहा है. सो ये बहुत सुंदर लगता है, सिंपल एंड सोबर, एंड इट लुक्स सो
डिलीशियस नहीं बोल सकती, इट लुक्स सो अमेजिंग, नॉट डिलीशियस, डिलीशियस निकल आता मेरे मुंह से. ये लुक कैसी लगी है, ये पूरा लुक कैसा लगा है, ये पूरा स्टाइलिंग कैसी लगी है विद हेयर एवरीथिंग. सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेक श्योर कि आपने इस चैनल को लाइक किया और शेयर किया एंड सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को. सो इस तरह की कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. सो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं लिंक. सो प्लीज़ गो एंड क्लिक ऑन द लिंक एंड फॉलो मी. ओके सो बाय गाइस, लव यू.